की बात है कि आप भले भारतवर्ष से दूर रह रहे हो, लेकिन अपने धर्म को बनाए रखने के लिए आप सुंदर मंदिरों का निर्माण करते हैं, आप आते हैं, मंदिरों का दर्शन करते हैं। और बिल्कुल ये होना ही चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी धर्म से जुड़े रहें, तो आपको स्वयं बढ़ चढ़ करके उनको धर्म जी करके दिखाना होगा, स्वयं जी करके दिखाना होगा। आपको स्वयं धर्म को धारण करना होगा, और जब आप धर्म को धारण करेंगे तो धर्म आपको धारण करेगा, धर्म आपको संभाल के रखेगा। भारत को कम मत समझिए, भारत के संस्कृति को, संस्कारों को कम मत समझिए। बस उन संस्कारों को कितने महापुरुष भारतवर्ष में हुए, प्राण दे दिए, लेकिन अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। आपको प्राण नहीं देने, लेकिन अपना समय निकालना है अपने धर्म के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और ये बात पक्की है कि कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, हम अपने बच्चों को बड़ा भाषण देते हैं संस्कृति संस्कार के ऊपर, लेकिन आप अगर स्वयं उस बात को नहीं करेंगे तो बालक कैसे मानेंगे। बच्चों को आप लाख सिखाइए माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, लेकिन आपके स्वयं के माँ बाप, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी तो निर्भर करता है। एक छोटा सा बालक जिसके घर में माँ बाप रहते, एक दादी रहती है, तो वो छोटा सा बालक और माता पिता, वो तीनों मिलकर के आज कहीं पार्टी में जा रहे। तो पार्टी में जाते जाते बोले माता जी को कि आपको रास्ते में एक मंदिर पड़ता, वहाँ छोड़ जाएंगे, वहाँ मंदिर में भंडारा हो रहा होगा, वहाँ आप खाना खा लेना, हम पार्टी में खा लें। और उसको गाड़ी में बिठा करके ले जाने लगे। अब वो जो छोटा सा बच्चा था वो गाड़ी में चुप बैठा है बहुत देर से। तो उसके माता पिता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तू क्यों चुप बैठा है। तो मुस्कुराती वो बोला, पापा मैं बड़ा हो करके ना बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। पिता ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बनना, अच्छा पैसा कमाना, पर उस पैसे का क्या करेगा। बोले मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, बहुत बढ़िया अच्छा घर बनाऊंगा। हाँ बेटा जरूर बनाना, लेकिन पापा वो घर ना मैं किसी मंदिर के एकदम नजदीक बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ये तकलीफ मेरी माँ को ना हो कि उसको इतनी दूर पैदल जाना पड़े, इसलिए मैं मंदिर के पास बनाऊंगा ताकि वहीं जाके तुरंत खा करके वापस आ जाए। आंख में से उनके आंसू निकल आए और ये बात दिल में लगी कि आप बच्चों को जो दे रहे हैं वो आप उनके उदाहरण बन रहे। कहते ना कि कथनी से ज्यादा करनी असर करती है। पहले स्वयं अपने आप में उन संस्कारों को स्थापित करें और फिर देखिए, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा। जिसके अंदर अच्छाई होती है, जिसके अंदर संस्कार होते हैं, उसके संस्कार स्वयं झलकते हैं, उसको सिखाने नहीं पड़ते हैं।